नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी में और मैं हूं ऋतुपिष्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, सुबह से कांग्रेस मुख्यालय में जो CWC की बैठक चल रही है वो अभी तक बेनतीजा रही है और इसी दौरान कहा जा रहा है कि 5 ग्रुप में ये डिस्कशन चल रहा है, ये चर्चा चल रही है, रायशुमारी का दौर जारी है कि आखिरकार कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। तो इस सवाल कहीं ना कहीं अब भी बरकरार है, इंतजार ये है कि इस सवाल का जवाब कब मिलेगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको जानकारी दे दें कि जब ये बैठक चल रही थी उस दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस बैठक को बीच में ही छोड़कर निकल गए। वो चले गए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है राहुल जी ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि गांधी परिवार से कोई नहीं रहेंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो मॉरल एक अथॉरिटी है उसमें विश्वास करते हैं। सोनिया जी ने कहा कि उनका नाम वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मैडम किवें देखते हो अजे तक प्रधान नहीं हैगा राहुल जी प्रधान ने। उनका कहना था कि हमारा नाम इस कमेटी में डालना ठीक नहीं है। तो आज शाम ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये बैठक हो सकती है क्योंकि इस बीच जो है वो रायशुमारी का दौर चल रहा है, तो कहा जा सकता है दोबारा एक बार यहाँ पर ये बैठक होगी जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो कई नाम इसमें इस दौरान सामने आ रहे हैं और उन नामों को लेकर रायशुमारी बन रही है कि आखिरकार वो कौन सा नाम है जिस पर पार्टी भरोसा करेगी, आलाकमान इस पर भरोसा करेंगे। तो राहुल ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला का इस दौरान एक बयान सामने आया है, क्योंकि कई दौर की जब ये बैठकें हुई तो उस दौरान लगातार उनको मनाने की कोशिश की जा रही थी, अलग स्तर से भी मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी का एक ही जवाब था कि वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, हार का जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अपने सर ली है, तो अब वो एक बार फिर से इस पद पर नहीं बैठेंगे। यानी कि मानने को राहुल गांधी जो है वो तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो आपको बता दें कि जोन के हिसाब से नेताओं की जो टीम है वो बांटी गई है और नेताओं की टीम जो है चर्चा कर रही है इसी मसले को लेकर, जो नाम एकाएक करके नए अध्यक्ष के लिए सामने आ रहे हैं उनमें से एक नाम वो कौन सा होगी। लेकिन इंतजार यहाँ पर ये करना होगा कि जब 5 टीमें ये खत्म होंगी, चर्चा यहाँ पर खत्म होगी, उसके बाद क्या उसमें एक रायशुमारी बन पाती है और शाम को जब ये बैठक होगी कहीं ना कहीं इसमें साफ हो जाएगा कि इस पूरी बैठक का मकसद आखिरकार क्या रहा है, नतीजा उसका क्या रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए R9 TV के साथ।